जय हिंद फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सबका प्रयागराज वाला में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बात करूंगा मैदान की, जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं प्लेन। आखिर मैदान होते क्या हैं, आप रहते कहां पर हैं, आखिर जहां पर रहते हैं उसके बारे में आपको जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। ख़ास तौर से मैं बात करूँ, लेकिन एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। अगर आप हाई लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर मैदानों के प्रकार, वर्गीकरण, ये सब वगैरह वगैरह पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर निम्न से एकदम उच्च स्तर तक लेकर के चलूँगा मैं। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिए, मैदान आखिर बनते कैसे हैं, फिर मैं इसके बाद वाली क्लास में मैं चर्चा करूँगा कि भारत का वृहद मैदान आखिर बना कैसे, ठीक है। जहाँ पर आप रहते हैं, आपके एरिया में, आपके जगह पर कैसे मैदान हैं, आप लोग देखते होंगे कि आपको हर तरफ समतल दिखाई पड़ता होगा, समतल दिखाई देता होगा। कभी आप देखते होंगे ऊंचा दिखाई दिया, कहीं पहाड़, कहीं पठार, कहीं मैदान, इस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं भारत में। हर जगह पर हर एक स्थल आकृतियों में आपकी ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। लेकिन हम यहाँ पर मैदान की ही बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? मैदान की ही बात करेंगे, और अपने भारत के वृहद मैदान कैसे बने उसके भी बारे में बात करेंगे कि कैसे क्या होती हैं, सारी घटनाओं के हम बात करेंगे। देखिए, अब हम आज समझते हैं पहले कि मैदान आखिर होते क्या हैं। पहली बात कि मैदान आखिर होते क्या हैं, जिसको इंग्लिश में आप कहते हैं प्लेन। यहां पर मैं लिख रखा हूं, क्या कहते हैं बच्चा? प्लेन। तो आप ध्यान रखिएगा कि अगर मैं सिंपल भाषा में बात करूं तो निम्न भूमि और लगभग समतल हो उसी को हम कहते हैं, क्या कहते हैं? मैदान। ध्यान रखना, निम्न भूमि हो और लगभग समतल हो उसी को क्या कह देते हैं? मैदान, ठीक है। अब यहाँ पर बात आ जाती है कि निम्न भूमि आखिर क्या होती है। सर, बात तो ठीक है भाई, निम्न भूमि में आपके सारे जहाँ पर देखेंगे आपको, जहाँ पर रहते हैं वो आपको निम्न भूमि ही समझ में आएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। निम्न भूमि हम उसे कहते हैं, ध्यान रखना, निम्न भूमि बालक वो होती है जिसको हम कह सकते हैं लो लैंड। इसको हम ये देखते हैं कि ये हमारी निम्न भूमि है जो हमारा सागर तल है। ध्यान रखना, सागर तल से नापा जाता है। जब कभी भी भूमि की बात आती है या मैदान की बात आती है, जब निम्न भूमि की बात आती है तो वहाँ पर आता है हमारे सागर तल से ली गई ऊंचाई को क्या कहते हैं? वहीं से नापा जाता है। आपके जितने भी पर्वत हैं, पठार हैं, तो वहाँ पर आप देखे होंगे वहाँ पर लिखा रहता है सागरी स्तर से, सागर के तल से ली गई ऊंचाई, सागर के तल से सभी ऊंचाइयाँ ली जाती हैं, तो उसी को कहते हैं। देखिए ध्यान से, अब यहाँ पर निम्न भूमि आपको क्या देखा जाएगा कि सागर का तल है। मान लीजिए यहाँ पर आपका ये सागर है, क्या है बालक? सागर है। यहाँ पर आपका ये सागर है, ये आपकी भूमि है। क्या है ये? भूमि है, ये आपकी भूमि है। तो सागर तल से सागर के सापेक्ष, सागर के साथ में जो भूमि दिखाई पड़ेगी वही आपकी कहलाती है क्या? निम्न भूमि। ये कह सकते हैं सागर तल या सागर सतह, सी लेवल। क्या कह दिए बालक? सी लेवल। तो सी लेवल से, सागर के तल से आपको देखने को पड़ेगी जो ये आपकी भूमि होगी, यही होती है आपकी निम्न भूमि। सागर से हमेशा देखेंगे, आप जहाँ रहते हैं आप उससे, उसके आप जिम्मेदार नहीं हैं, लेकिन आप जहाँ पर रहते हैं, जहाँ पर आप ना रहते हैं, कहीं भी आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको सागर की बात जरूर की जाएगी कि सागर तल से ली गई ऊंचाई को, उसी को कहते हैं निम्न भूमि। हमेशा सागर तल से पर्वत पठार जब आप देखेंगे तो वहीं से उसकी ऊंचाई की नाप होती है। ये ध्यान रखेंगे, कभी भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन जाते हैं कि हम जब पर्वत और पठारों की हाइट को नापते हैं, तो कहाँ से नापना शुरू करते हैं, ये क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ से आपको क्या दे देगा? सागर सतह। ये आपको ऑप्शन में दिया रहता है, वो आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे, सागर के सतह से हमेशा किसकी ऊंचाई नापी जाती है? स्थला आकृतियों की। तो बनी हुई निम्न भूमि वही होती है आपकी स्थला आकृति। अब देखिए, कभी कभी आपको देखना पड़ता है कि ऊंची है, ऊंचाई पर है और समतल है। क्वेश्चन बनता है ऊंचाई पर है और समतल है। ध्यान रखेंगे, ऊंचाई पर है और निम्न भूमि से क्या है? और ये समतल है। क्या है? निम्न भूमि से ऊंचाई पर है थोड़ा सा, और ये क्या है? समतल है। इसको कहते हैं, क्या कहते हैं बालक? इसको कहते हैं एल्टीप्लेन। इसको कह देंगे आप एल्टीप्लेन, लिख लीजिए यहाँ पर एल्टीप्लेन।
ध्यान रखना, एलटी प्लेन हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में, ये आपका एक कॉन्सेप्टुअल चीज़ है कि आप इसको ध्यान रखेंगे कि एलटी प्लेन आखिर होती क्या है। तो निम्न भूमि से ऊंचाई पर, निम्न भूमि से ऊंचाई पर ऊंचा, निम्न भूमि से ऊंचा और समतल भाग को क्या कहते हैं, एलटी प्लेन कहते हैं, लिख लेंगे आप। अब देखिए, अब हम बात करेंगे आखिर यहाँ पर मैदान बने कैसे, मेन कॉन्सेप्ट आता है आपका कि मैदान आखिर बने कैसे। देखिए, मैदान आपका क्या होता है कि मैदान बालकों दो तरीकों से बनते हैं, दो तरह से आपके मैदान बनते हैं, ध्यान दीजिएगा। मैदान बनने की दो क्रियाएं, पहली है अपरदित, अपरदित मैदान, दूसरा है आपका हो जाएगा निक्षेपणात्मक। बालक थोड़ा वीडियो लंबी होगी लेकिन आप यहां पर समझ के जाइएगा, अपरदित मैदान और निक्षेपणात्मक मैदान, इसको आप कहते हैं डिग्रेडेशन, डिग्रेडेशनल प्लेन, और इसको आप कहते हैं एग्रीडेशनल प्लेन। ध्यान रखना, डिग्रेडेशनल प्लेन एंड एग्रीडेशनल प्लेन दोनों आपको यहां पर समझना है। तो ये हमारे मैदान बनने की दो क्रियाएं हैं, दो तरह से आपके मैदान यहां पर बनते हैं। अब यहां पर समझेंगे अपरदित, हिंदी वाले बच्चे ध्यान रखेंगे, अपरदित सबको जानते हैं, जो नहीं जानते इंग्लिश वाले डिग्रेडेशनल समझेंगे। डिग्रेडेशनल बालक होता क्या है कि यहां पर जो भी, यहां पर जितने भी, यहां पर मैं इसका फिगर बना रहा हूं, ध्यान रखना, हमारा कोई भी पर्वत है या पठार है, कोई भी चीजें हैं, ध्यान रखना, कोई भी पर्वत है पठार है, उसमें अपरदन की क्रियाएं होंगी। क्या होंगी? अपरदन की क्रियाएं होंगी। और मान लीजिए यहाँ पर ये है इसका गड्ढा, कहीं पर गड्ढा है, कहीं पर खड्ड है, और वहाँ पर ये जितने भी पार्ट हैं, यहाँ से जितने भी क्या होते हैं, यहाँ से हटते जाते हैं, मतलब अपरदित होते 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 कटते छटते। अगर ये पहली बात ध्यान रखना, अपरदन कब होगा, जब मान लीजिए यहाँ से नदियाँ बह रही हैं, कोई पर्वत है या पठार है, यहाँ से नदियाँ बह रही हैं, नदियों का कार्य क्या होता है कि एक जगह से दूसरे जगह जितने भी ऊंचे मैदान हैं, ऊंचे भी मैदान हैं, उनको क्या कर देती हैं, समतल करने का काम कर देती हैं, ये तो आप जानते ही होंगे। समतल कर करके वो ले कहाँ जाती हैं, अब मान लीजिए इस जगह पर गड्ढा है, इस जगह पर ऊंचा है, अब यहाँ से नदी आ रही है, यहाँ से नदी बह रही है, अब नदी का यहाँ पर बहाव इधर की ओर है, अब ये धीरे धीरे क्या होगी कि इस पर्वत को काटते काटते, पर्वत को काटते काटते इसको क्या कर देगी, इसको एक समतल करने की क्रिया करेगी, क्या करेगी, इसको समतल करेगी धीरे धीरे। ये बालक ज्योग्राफी में आपको, अगर आप पढ़ेंगे तो ज्योग्राफी में कोई भी चीज़ें एक दो महीने में नहीं होने वाली हैं, ये आपको सालों साल लग जाते हैं, कितने सालों साल लग जाते हैं, 200, 500, 300, 400 साल लग जाते हैं इसमें इसको। तो ये जो क्रिया हो रही है, ये अपरदन की क्रिया क्या हो रही है, ये डिग्रेडेशनल कर रही है, मतलब इसको काट रही है, पहाड़ को काटते काटते धीरे 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 इसको ले जा करके ये नदियाँ क्या कर रही हैं, ये ला करके इस गढ़ाहुआ में क्या कर देंगी, भर देंगी, भर देंगी। तो अब ये देखिए यहाँ पर क्या हुआ, काटने की क्रिया, पहाड़ को काटने की क्रिया क्या कहलाई, अपरदित। समझिएगा, पहाड़ को काटने की क्रिया क्या कहलाई, अपरदित। लेकिन वहां से नदियों द्वारा ले आने वाले निक्षेप जो हैं, यहां पर आपके ये गड्ढा में भर जाएंगे, कहां भर जाएंगे, गड्ढा में आपके भर जाएंगे, जिसको कह देते हैं निक्षेपणात्मक, निक्षेपणात्मक, एग्रीडेशनल प्लेन, इसको कहते हैं एग्रीडेशनल। अब देखिए, कुछ बच्चों के दिमाग में डाउट होगा कि सर यहां पर प्लेन तो बन ही नहीं रहा है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर ये नदी क्या कर दी, यहाँ पर अपरदित करके इसको ले आ करके, ये इसको ला करके यहाँ भर दी, यहाँ से मलवा ले आई और यहाँ पर ला करके इसको क्या कर दी, भर दी। ध्यान रखना, यहाँ से मलवा लाई और यहाँ पर ला करके सारा मलवा यहाँ पर इकट्ठा करके और इसको इसके समतल में कर दी, फिर इसके ऊपर से क्या करी, बहती चली गई, जहाँ पर फिर गड़ाहा मिला उसको भरती गई, भरती गई यहाँ से मलवा लाते हुए, ध्यान रखना, यहाँ से मलवा लाते हुए क्या करती गई, भरती गई। तो जो काटने की क्रिया, ये तो अपरदित क्रिया हो गई, और जो भरने की क्रिया, ये तो निक्षेपणात्मक क्रिया हो गई, ये तो आप समझ गए। अब मैदान कैसे बने, धीरे धीरे क्या होता है, ये पूरी का पूरा ये एकदम समतल ले आती है,
पहाड़ को, पठार को क्या करती है, ये धीरे धीरे क्या कर देती है बालक, ये काटते 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 इस रूप में ले आई। दोनों को मैं मिक्स करके बना दिया हूँ यहाँ पर। अब यहाँ पर नदी बह रही है, यहाँ पर नदी आई, ये आई, इसको समतल कर दी, इसको समतल कर दी। अब इसको बाद यहाँ पर देखेंगे, ध्यान लगाएंगे, ये भी धीरे धीरे क्या होगा, ये वाला मलबा उठा करके यहाँ पर भरी तो यहाँ पर क्या होगा, ये कट जाएगा, तो ये भी धीरे धीरे क्या हो जाएगा बालक, समतल होता चला जाएगा। तो ये एक समय ऐसा आएगा कि ये पूरा का पूरा भाग क्या हो जाएगा, एक सीधी उसमें हो जाएगा, ये पूरा क्या हो जाएगा, समतल हो जाएगा, मतलब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहेगा, ध्यान रखेंगे। तो यही इसी से, इसी तरीके से आपके बन गए क्या, मैदान। तो मैदान की, मैदान बनने की कितनी क्रियाएं होती हैं, मैदान कितने रूपों में बनते हैं, ये तो समझ गए होंगे। मैदान कैसे कैसे बनते हैं, पहला है अपरदित, दूसरा है निक्षेपणात्मक। हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत का मैदान किससे बना है, भारत का मैदान कैसे बना है, तो भारत का मैदान हमेशा किससे बना है बालक, निक्षेपणात्मक क्रिया से भारत का मैदान बनाया गया है। किससे बनाया गया है, भारत का जो वृहत मैदान है जो आप देखेंगे वो किससे बना है, निक्षेपणात्मक क्रिया से बना है। अब ये निक्षेपणात्मक लाए कहाँ से हैं, ये बात मैं कल बताऊंगा, कल की क्लास में आप देखेंगे कि आपके जो ये अपरदित, आखिर निक्षेपणात्मक भारत में हुआ है तो अपरदित कहाँ से हुआ है, कहाँ से बने, तो ये ध्यान रखिएगा। कल की क्लास में हम देखेंगे कि आपके जो ये अपरदित मैदान है ये कहाँ से ला करके, निक्षेपणात्मक में ला करके रखे हैं, जिससे भारत का मैदान निक्षेपणात्मक मैदान कहलाता है। ध्यान रखिएगा, ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको हमेशा में एग्जाम में पूछा जाता है भारत का मैदान कैसे बना। तो आज हम जान लिए कि भारत मैदान बनते कैसे हैं, आज हम जान लिए ये कि मैदान आखिर बनते कैसे हैं। पहली क्रिया आपकी अपरदित, दूसरी हो गई आपकी निक्षेपणात्मक, डिग्रेडेशनल एंड एग्रेडेशनल क्रियाओं से आपके मैदान बनते हैं, ठीक है। मैदान बना लिए हम आज, अब कल की क्लास में हम देखेंगे कि भारत का वृहत मैदान आखिर बना कैसे, किस रूपों में, कहां कहां से नदियों ने लाया, निक्षेपणात्मक निक्षेप करके लाया, मलवा कहां से लाया जिससे कि ला करके मैदान को बनाया भारत का, ये हम बात कल की क्लास में करेंगे। तो आज यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहना मेरे साथ। जय हिंद।